नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी से आज लाइव के नए फॉर्मेट के साथ। परंपराओं को निभाता ही नहीं भाई, मैं आज 248 लाइव है काम करा नेटवर्क भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम बिल्कुल नए ट्रैक पे लाइव करने जा रहे हैं। गला थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है क्योंकि बेड पीछे बढ़ गया वापस। पिछले वीक क्लास ली है डेली 5 क्लास 8 घंटे खड़ा रह के, मेरा फेवरेट टॉपिक हीट बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसे गला भी थोड़ा सा, क्योंकि 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। जरूरी है ना, सीकर में 100 में रैंक देना बहुत जरूरी है ना। सीकर में पिछले 5 साल में 100 में रैंक नहीं आई ना, बुलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों भाई? आज मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, आज मेरे साथ बच्चे, सबसे पहले दिखाओ देखो। आई ट्रस्ट माई सीएलसी, सब एक साथ बोले सब कुछ सीएलसी। दोस्तों ये जितने बच्चे हैं उनके गार्जियन, ये एक शब्द है सीएलसी, ये 3 अक्षर है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन पे लोग विश्वास करते हैं और यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद उनको मैं मिलता हूँ, श्रवण बात में आता है, सब बात में आते हैं, पहले सीएलसी आता है। ये हमारे सब लाडले बच्चे हैं, अभी लाइव पे लोग जुड़ जाते हैं, परिवार के सब लोग जुड़ जाते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। बिल्कुल साहब, 96 लोग लाइव के हमारे जुड़ गए हैं। बिल्कुल, जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो शेयरिंग कर दें। वो आई ट्रस्ट माई सीएलसी से पढ़ने में नहीं आ रहा, तो कैमरा रखो सीएलसी पे। क्यों ओके डियर? बिल्कुल, 117 लोग हमारे परिवार के जुड़ गए, सब साथी जुड़ जाए परिवार के, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सब साथियों से। तो एक बार इन बच्चों का परिचय शुरू कर देते हैं लाइव जाने से पहले। ओके दोस्तों, तो जो भी लाइव लोग देख रहे हैं 140 लोग, एक मिनट और वेट कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा पीछे लाइट है, हो सकता है प्रॉपर आपको चेहरा दिखाई नहीं दे, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम बाहर विजय ग्राउंड में, हमारे आज विजय ग्राउंड से मूवेबल लाइव हमारा होगा, है ना, घूमते घूमते लाइव आज करेंगे। आज पूरा कैंपस दिखाते हैं आपको, एक गर्म पानी का ग्लास लिया भगवान जा बना। तो आज लाइव आपको सीएलसी कैंपस का विजिट कराते हैं। क्यों विनु सिंह जी? जी हमारे विनु सिंह जी हैं, साउंड चक्तीस है, हमारे ओम जी हैं, हमारा अशोक है। तो बिल्कुल 190 लोग जुड़ गए परिवार के, लव माय सीएलसी। बिल्कुल 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 साहब, तो शुरू करते हैं। तो ये मोबाइल पकड़े आप मेरे साथ रहे। ओके दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण। आज 248 लाइव है मेरा, बीच में इस वीक लाइव नहीं आ पाया मैं क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट कर ली थी मैंने मेडिकल टारगेट में। एक बड़ा दर्द था सीकर में, 96 से लेकर 2016 तक हमने टीचिंग की, तो सीएलसी ने 100 में नीट में 4 बच्चे दिए थे, 16 पढ़ाना छोड़ा। 2020 तक 5 साल हो गए टॉप सीकर को सीएलसी करना मेडिकल में, फिर भी 100 में रैंक नहीं आ रही है। इस चीज़ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कोरोना का टाइम मिला, सब्जेक्ट को टाइम मिला, गुरु नीति शूट की, प्रीवियस वीडियो शूट किए, वापस से खड़े हो गए दोस्तों बोर्ड पे। तो पिछले भी KTG और थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक हमारे बच्चे जब ये बेटी क्लासरूम की मेरी, तो टॉपिक स्टार्ट किए, टॉपिक स्टार्ट हो चुके, कल मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके डियर, तो आज पूरे कैंपस का विजिट रहा है। तो आ जाओ, मैं सबसे पहले हमारे बच्चों से आपका परिचय कराता हूँ। सब बच्चे अपना नाम और आप किस बैच के हैं और आप कहाँ के हैं और आप कौन से हॉस्टल रह रहे हैं? आई एम खुशी फ्रॉम झुंझुनू। झुंझुनू नहीं, झुंझुनू में कहाँ? झुंझुनू बहुत बड़ा होता है। पिलानी। हाँ, फ्रॉम पिलानी एंड माय बैच इज बीटा बैच एंड माय ऑनलाइन बैच इज 15। क्लास कौन सा है? 11th नीट। जोर से बोलो। मेरा नाम प्रिया चावला, मैं अलवर लक्ष्मणगढ़ तहसील से, मैं ओमेगा बैच की लड़की। ओमेगा नहीं बोलना, नीट बोलना है, नीट टारगेट। ओमेगा नहीं भाई, 11th या 12th या टारगेट। माय नेम इज सुमेगा, आई एम फ्रॉम झुंझुनू पिलानी, आई एम फ्रॉम 11th बायो अल्फा बैच एंड आई लिव इन तनोट हॉस्टल। मैं सुजाता जबकि दादरी से नीट टारगेट की स्टूडेंट हूं, तनोट हॉस्टल में है। आई एम डॉल्फी फ्रॉम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार, आई एम इन +1 फाउंडेशन लिविंग इन तनोट हॉस्टल। इधर इधर बिल्कुल वापस आओ। गुड इवनिंग, माय नेम इज किरण, आई एम फ्रॉम जीन हरियाणा, मैं +1 फाउंडेशन प्लस वन इधर बोलना 11th बायो, 11th मैथ, 12th बायो, ऐसे। यस। गुड इवनिंग, माय सेल्फ नीतू, आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम फ्रॉम नीट टारगेट। ये देखो बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों, 350 हमें हमारे लोग लाइव देख रहे हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जो मेरे हॉस्टल में। आप कहाँ से हो बेटा? कहाँ से हो? जयपुर। वैशाली। किस बैच के बच्चे हो आप? नीट टारगेट के। आप कहाँ से हो? हिसार से हो। कैसा लग रहा है आपको सीएलसी में? आप खुश हैं? क्या बात है, क्या बात है। एक बार वॉइस पे आता हूँ पहले मैं। हाँ बेटा, आप कहाँ से बताएं अपना परिचय दें। आप मंडावा से हैं? पता, मंडावा हमारे बहुत कीमती है इस बार, क्योंकि दिल्ली एम्स में जो 2 बच्चे गए हैं वो दोनों बच्चे मंडावा से हैं, हमारा मोहित और हमारी विनीता। प्लीज, आप कौन से बैच के बच्चे हैं बेटा? कहाँ रहते हो? कैसा लग रहा है आपको इस समय? नेक्स्ट। आई एम फ्रॉम भिवानी हरियाणा,
नो बीटा, नो बीटा, इलेवंथ के हो या ट्वेल्थ के हो, टारगेट के हो? हाँ जी, धौलपुर से आए हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मजा आ रहा है बात का? पक्का? चल वेरी गुड, थोड़ा लाउडली लाउडली बोले, क्या बात है? सब ऑडियो क्यों? मेरा नाम जयपुर से है, मैं जिला जयपुर से हूँ और इलेवन का। मेरा नाम कपिल परिदाल है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा नाम राम पुत्र है, मैं नागौर से हूँ। फौजदार भरतपुर, यस। तो आप भरतपुर से हैं, आप नागौर से हैं, आप जोधपुर से हैं, आप झुंझुनू से हैं, आप धौलपुर से हैं, आप जिंद, आप भिवानी से हैं, आप झुंझुनू से हैं, झुंझुनू से हैं, अलवर से हैं, आप अलवर से हैं, जयपुर से हैं, हरियाणा से, हरियाणा करें, हरियाणा में कहाँ से? चरखी दादरी से। जयपुर से हैं, हिसार से हैं, दौसा, करौली, एक आप है करौली, सादुलपुर, चूरू, सोनीपत, कोटपुतली, दौसा, हाँ तो बोलते बोलते वैसे, हाँ तो ये मेरे वो सारे बच्चे हैं दोस्तों जो आप देख रहे हैं। हरियाणा पूरा स्टेट यहाँ हम लोग कवर कर रहे हैं, राजस्थान तो पूरा कवर कर ही कर रहे हैं। तो आज हम लोग आपको पूरा कैंपस दिखाते हैं। तो बच्चों आप सब लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बात लाइव मक्स लोग पूछते हैं कि कैंप क्या होता है, आप बच्चे पे लेके आए, एक बच्चे से बात कर लेते हैं, इस बच्चे से बात कर लेते हैं। आए बेटा, आप ये स्टूडेंट है, आगे थोड़ा सा, आप टारगेट के बच्चे हैं, मेडिकल के हिंदी मीडियम बच्चे हैं। हाँ मोबाइल बंद करते हैं, अपना आज मोबाइल की परमिशन है हमारे पास। हाँ बेटा, आप हिंदी मीडियम बच्चे हैं। चलो आप एक बताओ, अपना जो एक कैंप होता है, कैंप के बारे में बताएं, कैंप क्या होता है अपना? कैंप का एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि सुबह दोपहर को हमारी सुबह क्लासेस ऑफ हो जाती है 12:50 पे, जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है। उसके बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक का कैंप होता है, उसमें एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, फुल्ली सोशल डिस्टेंसिंग। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, वेरी गुड। और उसके बाद एक बेंच पे एक बच्चा, पूरा एनवायरनमेंट होता है स्टडी का, अच्छी सराउंडिंग होती है, और कैंप में अच्छा माहौल भी होता है कि दूसरे को देख के पढ़ने। कैंप के बारे में बताना चाहूँ, जैसे ये मेरी बेटी है, इसकी सुबह की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चा सुबह 7 बजे कोचिंग आता है, वो जाएगा 12:50 पे, लंच करेगा, अपना रेस्ट करेगा, वापस आएगा 3 बजे, 3 से 6 वो यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, फिर जाते हैं 6 बजे डिनर करते हैं, वापस आते हैं 8 बजे, रात को 8 से 12 बैठ के पढ़ते हैं। 7 घंटे की तपस्या होती है साहब, कुंदन, सोना तपने से कुंदन बनता है साहब। उसके बाद जो बच्चा हमारी शाम की पारी का आता है, वो सुबह 7 से 12 बैठ के कैंप पे पढ़ता है, रात को फिर वो 8 से 12 कैंप बैठ के पढ़ता है। हम 8 से 9 घंटे बच्चे को यहाँ कैंप पे बैठ के पढ़ाते हैं। जैसे ये हमारी बिल्डिंग हॉस्टल ये दिखाई, ये नई बिल्डिंग बनी है, हमारा सौभाग्य इस साल एक नई बिल्डिंग मिल गई हमें। तो हमारे पास इस बिल्डिंग में 18 क्लासरूम है, आप बिल्डिंग देख लीजिए, इसमें 18 क्लासरूम है, नए हमारे पास इसमें 20 क्लासरूम है, टोटल राउंड फिगर में हमारे पास 40 क्लासरूम हो गए, 2 पारी में 80 क्लासरूम की कैपेसिटी के साथ हम लोग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो ये बच्चे करीब हर स्टेट के हैं, हर जगह बच्चे हैं, इलेवंथ बायो के भी हैं, मैथ के भी, आई टी के बच्चे भी हैं। आओ बच्चों चलते आगे, बच्चों आप चलते, आप आगे चले भैया, बैक पर चलता जा। ये दोस्तों जैसे हमारा रेंज बोर्ड है, आज दिखाते हैं आपको मैं, सरिता वर्मा नाम की बच्ची है जिसने स्टेज को टॉप किया, 648 नंबर आए। ये डिम्पल रावत कोई बच्ची है जिसने 670 इस मैच को टॉप किया। ये हमारा हर्षित फौजदार बच्चा है जो 618 में टेस्ट टॉप कर रहा है। ये हरीश नाम का बच्चा है। तो ये एक रैंक शीट डिस्प्ले बोर्ड है हमारा, टेस्ट होता है। कैसे होता है सीएलसी में अक्सर लोग पूछते हैं साहब श्रवण जी पढ़ाई कैसे होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं, पूरे शेड्यूल। ओम जी आप फिर पीछे रहे, एकदम से गिर नहीं जाए, तो ये पीछे चलता रहेगा, बैक में बहुत दूर नहीं रहे मेरे साथ। आप थोड़ा आज मूवेबल जगदीश थोड़ा सा कॉपरेट करें, आप अशोक को पकड़े, आप अशोक को पकड़े, अशोक जी पकड़ा, पूरा घबरा गया, तेरा बीमार भी क्या है, बैक चले तो तेरे पीछे आज खड़ा, घबरा मत, मैं तेरे गिरने नहीं दूंगा, मेरे आगे तो तेरे पीछे बहुत चिंता मत कर। दोस्तों हमारे यहाँ शेड्यूल वाइज क्लास होती है, एडमिशन जो बच्चे का होता है उसको बाकी शेड्यूल दिया जाता है, हर बार 2 वीक के बाद उसे टेस्ट होता है।
टेस्ट के बाद मंडे को उसका सोल्यूशन होता है, क्यों बच्चों, सोल्यूशन के बाद उसका बुधवार की शाम तक रैंक लग जाती है, उसका एक मैसेज आपके घर पे आता है, रात को हमारा बच्चा कैंप पे बैठता है, सीएल से खुद अपने स्टडी में अपना काम करता है, ये सारे स्टूडेंट, अब कुछ बच्चे हमारे बिना यूनिफॉर्म के, अभी हमारा प्रिंस है, ये बहुत छोटा सा बेटा, हमारा प्रिय बच्चा है, तू कहाँ का है, किस क्लास के बच्चे हो, ये मेरी 9th KVM का बच्चा है, हमारे बहुत शानदार स्कूल था KVM, दिखाएं वो हमारी बिल्डिंग KVM की है, दूर दिख रही है, ये वो स्कूल है जो राजस्थान का हाईएस्ट रिजल्ट देता है 10th क्लास का। दोस्तों श्रवण केवल बात नहीं करता है, रिजल्ट मेडिकल नीट का आया दोनों टॉपर मेरे छोरे हैं, रिजल्ट IIT का आया मेंस का टॉपर मेरा छोरा है, रिजल्ट IIT एडवांस का आया 2000 में 6 हमारे बच्चे हैं, रिजल्ट 10th बोर्ड का आता है अबाउ 90% हाईएस्ट संख्या देने वाली आपकी एकमात्र CLC राजस्थान में जो पिछले 4 साल से 90% से ऊपर हाईएस्ट संख्या दे रही है। आप कहाँ के हो बेटा जी, आप जोधपुर से, तो जोधपुर से छोटे छोटे बच्चे 9th तक यहाँ जाते हैं, ये मेरा लाडला बेटा है प्रिंस, बता तेरे को कैसा लगा हॉस्टल में, कैसा लग रहा तेरे को, तो खुश है तू, तो मैं तेरा नाम जानता हूँ, ये पता है ना, ये हर बच्चे का मैं नाम जानता हूँ, तो कुछ बच्चे बिना यूनिफॉर्म के इसका परिचय भी कराएंगे, बेटा अपना नाम और कहाँ से हो, थोड़ा जोर से बोलना बेटा, टोंक से हो, किस बैच के बच्चे हो, 11th 12th किस बैच के हो, 11th, क्या बेटा, अनुपम धौलपुर से, जयपुर से, लाइट जनरेटर बंद करा दो, ओम जी जनरेटर बंद करा दो, भरतपुर से, बाड़मेर से, आप किस बैच के बच्चे हो, दिल्ली से हो, आप दिल्ली से सीकर कैसे आए भाई, नहीं दिल्ली से सीख, क्या बात, दोस्तों दिल्ली से एक बच्चा एडमिशन के लिए, अभिमन्यु सिंह जी मेरे साथ रहे, इस तरह बात में मोबाइल पकड़े, दोस्तों ये बच्चा दिल्ली से आया है, तो आप ये मान सकते हो, इसको बोलते हैं, कि ताकत हो चुंबक में ना, मैग्नेट पावरफुल हो तो उल्टी गंगा बह जाती है, लोग पहले दिल्ली पढ़ने जाते थे, आज सीकर थोड़े गांव लगता है, एक कस्बा लगता है, पर CLC एक बड़ी चीज है यहाँ पर, CLC बड़ा नाम है यहाँ पर, कि दिल्ली से बच्चों को, कहाँ रहते हो आप, हॉस्टल में रहते हैं, थैंक यू, अगले बच्चे से पैसे करते बेटा, अपना नाम बताओ, ये मोबाइल में कहाँ के हो, किस बैच के बच्चे हो, 10th स्कूल के बच्चे आप, थैंक यू, आप कहाँ से बेटा, किस क्लास के बच्चे हो, नाम क्या आपका, थैंक यू, आइडियल, अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, ये हमारा विजय ग्राउंड है, यहाँ हमारी शाम को पहले डेली असेंबली होती थी, अब ऑफलाइन के कारण, इस लॉकडाउन के कारण ऑफलाइन तो स्टार्ट हो गया, बट हमने हमारी असेंबली भी स्टार्ट नहीं की, बच्चों की बहुत डिमांड है, तो अब इसी के हम लोग असेंबली स्टार्ट करने वाले हैं, मैं यहाँ जो खड़ा खड़ा आपको सारा विजिट कराता हूँ, आप स्टार्ट यहाँ से हो, ये हमारी कर्मस्थली है, ये बिल्डिंग हमारी कर्मस्थली की है, ये हमारी दोस्तों कर्मस्थली है, दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि 600 लोग लाइव पे इस फिलहाल पड़े हुए, ये हमारी कर्मस्थली है, उसके बाद आप देखें ये हमारी भावस्थली है जो नई बिल्डिंग बनी है, उसके बाद वो हमारा नाजी हॉस्टल है जहाँ हमारी 500 बेटियाँ रहती हैं, उसके बाद वो भावस्थली है जो मैस हमारा, वो हमारा स्कूल है KVM का, इधर भी घूमते हैं तो हमारा कृष्णा हॉस्टल है, ये हमारा कलाम हॉस्टल है, ये हमारा जीण माता फर्स्ट हॉस्टल है, उसका आगे हमारा तनोट माता हॉस्टल है, फिर बाबा सेकेंड हॉस्टल है, ये सारे हमारे हॉस्टल्स हैं, मैं बताना चाहूँगा कि बेटियों की व्यवस्था हमारे कैंपस के अंदर है, बेटियों की कैंपस के इनके पीछे बाहर तो नहीं कहूँगा, ये जो जो हॉस्टल जिनके गेट अंदर खुलते हैं कैंपस में वो गर्ल्स के लिए है, जो पीछे इनके जो बड़े कैसे बैक साइड जो कहते हैं वो हमारे बॉयज़ का हॉस्टल है। CLC राजस्थान एकमात्र कोचिंग है जो अपने खुद के रन करता हॉस्टल अपने मैनेजमेंट के साथ, जिसका मैस किसी ठेके पर नहीं होता है, जो बाकायदा प्रॉपर अपने खुद की सारी व्यवस्था रन करते हैं, और इसी तरह से ये हमारा विजय ग्राउंड है, एक बार फिर से इस ग्राउंड को अपने विजिट करें, तो आप देखें ये हमारा दोस्तों विजय ग्राउंड है कंप्लीट, इसमें बिल्कुल जब ऑफलाइन होता है, अभी ऑफलाइन है लॉकडाउन के, तब हम लोग यहाँ एक बार ये सब बच्चे देखो मेरे साथ, इनको ये हॉस्टल के बच्चे हैं तो उनको लगा कि सब लाइन बॉस, तो मैं चाहूँगा कि एक बार बच्चे अपना नाम, अपना जिला और कौन से बैच के बच्चे, फटाफट बैच कौन सा है, 11th 12th टारगेट, दोबारा कोई बच्चा सामने आया बेटा, सिर्फ किस बैच के बच्चे हो बेटा, मैं टारगेट नहीं से 11th 12th आपके बड़े भाई सिलेक्ट है यहाँ से, ये संगम शर्मा का भाई है, संगम जो सिलेक्ट मेडिकल में, करौली से टारगेट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट 11th अलवर डिस्ट्रिक्ट 12th बायो, बता पत्र में बता, आप नितेश यादव हैं, मैं पकड़ो उसको, जो आप नितेश यादव हैं दिल्ली से, क्लास कौन सा तेरा, 9th, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारा प्रिंस है, ये जोधपुर से है, ये दिल्ली से, ये बच्चे 9th क्लास हमारे पास आ गए, नो डाउट 9, 10, 11, 12, 4 साल हमारे साथ रहेंगे ना,
जिंदगी में बाकी लोगों से दो कदम आगे हो जाएंगे। आपको कैसा हॉस्टल में मजा आ रहा है? कुछ तंग तो नहीं करता? पढ़ाई ठीक होती है? कैंप लेता नहीं लेता है? मजा आते हैं? पक्का है? तो ये मेरा लाडला बेटा और आगे हमारा, इसके बारे में बताया, अपना नाम बता पहले। रोहित यादव फ्रॉम ग्वालियर। आप ग्वालियर से हैं, ये मध्य प्रदेश के बच्चे आगे, आप पता है क्या फील हो रहा है आपको? मुझे यहाँ पे आगे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने सीएलसी का पार्ट हूँ, और बस हमें इतना मोटिवेट करते हैं, और जितना हमारे पेरेंट्स। अब तो मैं पढ़ाता भी हूँ। मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, उसको 96 से लेकर 2016 तो मैं टीचिंग 20 साल, 16 के बाद टीचिंग बंद कर दी मैंने, कोरोना के दौरान मेरा प्रेशर पड़ा, बाबा ओम जी आवाज़ बंद कराई। उसके बाद मैंने गुणनीति अपलोड की, मैंने वीडियो किया प्रीवियस पेपर, तो मुझे मेरा सब्जेक्ट वापस प्यार हुआ, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है और मेरी मजबूरी भी है। कि 2016 से लेकर 2020 के पिछले 5 साल में 4 बार सीकर टॉप सीएलसी ने किया है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई बच्चा साहब 100 में नहीं स्वीकारते हैं, वो 100 में लाना ही होगा। उसके लिए श्रवण को खुद को अपने हथियार उठाने पड़े कि शहर को आगे लेके जाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है। क्योंकि बाहर सीकर से कोई पूछता है तो सीकर की एक पहचान है सीएलसी, एक पहचान है सीएलसी, और उस पहचान को जिंदगी भर हर दिन आगे बढ़ानी है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े थे, कुछ भी करना पड़े थे, तो कितने होमवर्क हार्डवर्क करना पड़े। आज भी 5 क्लास के साथ 8 घंटे क्लास में खड़ा हूँ। आप और कैसा लग रहा है बेटा, प्लीज बताएं अपने बारे में। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सीकर आओ तो सीएलसी आओ, और सीकर सीएलसी आओ तो बॉस के पास आओ, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास सीकर आने का। और सीकर आओ तो सिर्फ एक ही मकसद से आओ कि हमें यहाँ सिलेक्शन लेके ही जाना है, बिना सिलेक्शन के यहाँ से जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। थैंक यू। आपका ये कहना है कि यहाँ आने के बाद पढ़ाई आपकी मजबूरी हो जाती है, पढ़ाई आपको करनी होती है। दोस्तों एक बार फिर से आप सब लोगों को मैं हमारे मंदिर की ओर ले चलता हूँ, जो हमारा एक अस्थायी मंदिर है, अभी उसको मैं स्थायी मंदिर नहीं कहूँगा, स्थायी मंदिर तो अभी हमारा बनने वाला है। एक आ जाओ, हमारा जो लॉकडाउन से पहले, बार बार एक बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद हमारी असेंबली स्टार्ट नहीं हुई, ये हमारा एक मंदिर है, हमारी एक आस्था का जगह है, जहाँ हम लोग पहले डेली शाम 6:30 बजे बैठते थे, असेंबली करते थे। आए भाई मंदिर दिखाएं अपना जी। दोस्तों हमारी आस्था का केंद्र है, ये कुछ फोटो फिक्स है हमारी, ये सबसे बस सनातन बालाजी जी हैं, ये मेरे गुरु महाराज हैं, ये तरोट माता हैं, ये हमारे बाबा जी मकरनाथ जी हैं, ऊपर गणेश जी भगवान और माँ सरस्वती का है, और ये दीपक जो दिख रहा है आपको, ये अखंड ज्योत है, ये दोस्तों बहुत सालों से अखंड है। कोरोना के टाइम भी मैं धन्यवाद दूंगा मेरी विष्णु को, विष्णु कविया को, जिसने इसको दोस्तों मेंटेन रखा। जी बस सब लोग बेटा, ये हमारा स्टेज है, ये वो स्टेज दोस्तों जहाँ से हम लोग हमारी असेंबली करते हैं, ये वो मंच है दोस्तों, ये वो मंच है जहाँ बच्चा सिलेक्ट होने के बाद उसका सम्मान किया जाता है। एक बार फिर से पूरा भव्य सीन दिखाएं, ये कैंपस है साहब, इसको बोलते हैं सीएलसी साहब, ये दोस्तों सीएलसी है, इसलिए सीएलसी बहुत खूबसूरत है। ये कुछ बच्चे हॉस्टल के भी मैस में खाना खाने आए हुए थे, तो इन बच्चों को मैंने कहा चलो आपको लाइव में एक साथ एक बार, और एक हमारे संबोधन बहुत प्यारा होता है, ये सब बच्चे बोल देंगे बेटा अपने यहाँ क्या संबोधन है, जय जय, हमारे बहुत एक बहुत अच्छा संबोधन होता है, बच्चे बहुत प्यार से कहते हैं जय सीएलसी। दोस्तों वो कुछ फ्लक्स लगे हुए हैं, तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। अब मैं आपको सीएलसी के कोटेशन है उन पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है उधर, सीएलसी कुछ कोटेशन पे काम करता है साहब, आप देखें अभी मुझे नजदीक लिख रहे वहां। पहला कोटेशन है देखो आप, ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट, इसको लेकर शुरू किया था मैंने, फिर रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिर सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, और सीएलसी जहां सफलता के सपने सच होते संस्कारों के साथ। अब हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कोई भी हो, टॉप तो सीएलसी को करना है साहब। ये देखें ये हमारा होर्डिंग है जेई एडवांस का, दोस्तों जेई एडवांस बैकअप लेगा बैटरी की इसकी, दोस्तों 2000 में 6 बच्चे देने वाली सीकर में हाइएस्ट आपके अपने सीएलसी एडियर निखिल अग्रवाल, कृष्ण कुमार, विवेक राजपुरोहित, उदय जांगिड़, रवि कुमार, विकास कुमार। एक बात कहना चाहूँगा, पहले 2000 में ये 6 बच्चे हैं, 6 में से 5 बच्चा हॉस्टल का है, उदय लोकल सीकर का था, जबकि उदय 9th क्लास से पढ़ रहा है सीएलसी में, 9th क्लास का एक स्टूडेंट रहा हमारा शुरू से ही, जो सिलेक्ट था 10th के साथ। ऐसे हमारा निखिल अग्रवाल जो है ये टॉपर था जेई मेन का, आप 121 रैंक के साथ, ये हमारे दोस्तों ना केवल सीकर को 2 टॉपर दिए, बाकी कोटा से बाहर, नो डाउट कोटा में लाखों की भीड़ भाड़ होती है, कोटा से बाहर 3000 में 49 बच्चे देने वाली आपके अपने सीएलसी आ रहे हैं भाई। रैंक वाइज बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसी कैटेगरी बात नहीं करूंगा। मोहित आर्य झुंझुनू, ज्योति सीकर, अभिषेक चूरू, पारस भरतपुर, सिपास राठौड़,
जसलमेर, श्रुति डालमिया हरियाणा, ओम प्रकाश बिजारणिया सीकर, जयंत प्रलोदास सीकर, भगवान पांडे कहना, शालिनी यादव महेंद्रगढ़, आदित्य पालीवाल जोधपुर। दोस्तों आप देखो पहले 1000 में सीएल्स 10 बच्चे दिए, 10 में से आप देखो 3 बच्चे 12वीं के, मोहित 12वीं का है, पार्स बंसल 12वीं का है और आदित्य पालीवाल 12वीं का है, निखिल यादव अलवर, आशीष ये बच्चा हमारी डीएलपी का है खेतल का, सुमैया, अन्नू, शुभम, ये सब वो बच्चे हैं दोस्तों जो पहले 3000 में है। बात आगे लेके चलते हैं, एक चीज होती है प्री फाउंडेशन, ये हमारी भिवानी की हरियाणा की लाडली बेटी जो एनटीएससी की टॉपर है सीकर की, जो अपने आज एग्जाम भी देके आई है सेकंड स्टेज ऑफ एनटीएससी, 182 नंबर थे, तो एनटीएससी के टॉपर की बात आती है तो भी आपकी सीएलसी होती है। आगे चले, इस साल एम्स दिल्ली में सीकर से 2 बच्चे केवल और केवल अपने सीएलसी से गए और दोनों ही बच्चे झुंझुनू से हैं, झुंझुनू से नहीं वहाँ मंडावा से हैं, मोहित मंडावा का है, विनीता मंडावा की है और दोनों बच्चे सीएलसी के प्योर प्रोडक्ट है। कैसे, मोहित 12वीं के साथ है, विनीता फ्रेशर है, 11वीं 12वीं यही थी विनीता, एक वाइटपुरा गांव मंडावा के पास वहाँ की बच्ची है, एकदम से पढ़ी हुई है, मेरे परिवार का वारिश था इसलिए मैं उस गाँव को जानता हूँ पूरे से। इसके अलावा सीएलसी की पुरानी हिस्ट्री की बात हम दोस्तों करें तो पिछले 25 साल में हमने 25 साल बता दूं आपको मैं, 31 जनवरी 96 को हम शुरू हुए थे और अभी 31 जनवरी 2021 को हम लोग 25 साल पूरे कर चुके हैं। आप देखें फर्स्ट रैंक हमारी परंपरा रही है, हमारा मनोज मीणा जो 99 के टॉपर था अपने एसटी कैटेगरी का, और मनोज कहाँ बताऊँ आपको मैं, मनोज फिलहाल मेडिकल कॉलेज बीकानेर प्रोफेसर है, मनोज मीणा इसकी धर्मपत्नी गुलाब मीणा वो स्टूडेंट रही है मेरी, कल उनकी शादी की सालगिरह फोन भी किया था मैंने, मनोज फर्स्ट बार सीकर में पहली बार फर्स्ट रैंक देखी लोगों ने और ये लड़का आज बीकानेर, लड़का को माफी चाहूंगा डॉक्टर भी लड़का है मेरे लिए, तो आप आज बीकानेर कॉलेज के अंदर एक अच्छे फिजिशियन है और वहाँ प्रोफेसर की पोस्ट पे है। उसके कमलेश कुमारी फर्स्ट रैंक, गौरव माथुर, सुनील जैप शायद मुझे जहाँ रिपोर्ट एम्स दिल्ली में है, गीगाराम, विजेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, पूजा बियानी, अंकिता वर्मा, महेंद्र कुमार, प्रसाद बाटड़, प्रियंका, सुरभि का मैं कहना चाहूँगा, मैं सुरभि बहुत बड़ा सेट हमारी, सुरभि मेरे दोस्त हैं रहे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, वो कमल चौधरी थे मालपुरा के प्रधान, सुरभि और सुरभि के हस्बैंड डॉक्टर साहब हमारे दामाद, ये दोनों मेरे बेटे और दामाद आज दोस्तों टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, टाटा रिसर्च बॉम्बे जो कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ एक डॉक्टर हमारा होना ये बड़ी बात हमारे लिए। प्रीति, आयुष, अभिजीत बेनीवाल, सुनील बिश्नोई वो लड़का है जिसकी 33वीं रैंक सीकर में आई हुई है, सीकर की इंडस्ट्री की सबसे अच्छी रैंक आज भी सीएलसी के नाम है और इस बार हमारा एक खुद के साथ एक मैं वापस बोर्ड पे खड़ा हुआ इसीलिए हूँ कि मुझे इस रिकॉर्ड को तोड़ना, मेरे को क्योंकि कोई तोड़ पा ही नहीं रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे तोड़ना पड़ेगा। 33वां रैंक इस बच्चे ने दिया था। उसके बाद हरीश शर्मा, सुविता, राजन चौधरी, अस्मित मीणा, मेरे पास मनु कुमारी, पार्स मनी साहू, सुमन चौधरी, कल्पना मीणा, तरुण, विजेंद्र चौधरी, देवेंद्र, शैलेश मीणा, राहुल मीणा, वीरेंद्र, उज्जवल, जगदीश, ज्योति और मोहित आर्यन टॉप इस बार किया है। इसके अलावा दोस्तों देखो मैं आपको सीएलसी की यात्रा की कहानी दिखाता हूँ। 96 में हम लोगों ने शुरू किया था, ये मेरा 96 का फोटो है, यहाँ से शुरू हुआ था मैं, ये 96 का मेरा पहला फोटो है, कोचिंग स्टार्ट की थी, ये 97 पहली वर्षगांठ थी, मेरे गुरु जी हैं जो उस फंक्शन में आए थे, उसके बाद 98 99, 2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, वापस वहीं चलना पड़ेगा भैया, हर साल का एक फोटो का क्लिक हमने अभी बढ़ाया था, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, ये 16, ये राज्य महाराज आए थे, 2016 में क्रम स्थली का उद्घाटन हुआ था, लोकार्पण हुआ था, ये 2017 में हमारे दंगल गर्ल्स का प्रोग्राम किया था हमने, ये 2018, ये 19 और ये 2020 पिछली बार, ये बहुत बड़े हस्ती हैं साहब, संतोष आनंद साहब जिनको 3 बार फिल्म फेयरवार मिला, जिनका गीत लिखा हुआ है जिंदगी एक प्यार का नगमा है, आपका लिखा हुआ गीत है जिंदगी की टूटन लड़ी है, जो लोग गीत को जानते हैं वो संतोष आनंद साहब को जानते हैं। तो दोस्तों ये सारी हमारी कुछ आज मैंने कहा आज लाइव का आपको यहाँ से करते हैं, अभी वो 450 आपको लोग देख रहे हैं अपने 450 तो अपने लोग नहीं अपने देख रहे हैं जी, अपने कहते हैं जी तो ये एक बार फिर से पूरा आप घुमाएं कैमरे को, ये आप देखें पूरा हमारा ग्राउंड है, बच्चे बहुत मस्ती के साथ हैं और हर जगह का बच्चा यहाँ है, हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा, एक बच्चे फिर जगह तो आपका डिस्ट्रिक्ट आप महेंद्र हरियाणा अलवर से, जोधपुर अलवर से, टोंक से, हर जगह का बच्चा यहाँ टोंक से, और कौन जिले का बच्चा भी
कौन? हाँ, बाड़मेर से। बोलो बोलो जोर से। जैसलमेर से। जैसलमेर का कौन है? आए आ जाओ। तो ये दोस्तों ये, और आज आपको आगे ले चलते मैं स्कूल पे हमारे। चलो तो डियर, ये हमारे बच्चे मेरे लाइव को लाइव कर रहे हैं। कहाँ से हो आप लोग? आप कहाँ से हो? आप दोसा से हैं? अलवर से हैं। आज अब हम आपको हमारी मैथ का लाइव दिखाते हैं। ये हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं, तो इस समय मस्ती के मूड में, उनको लग गया कि लाइव चल रहा है तो ये भी सब अपने मस्ती के मूड में आ गए। आप लोग कहाँ से हैं? हरियाणा से? महेंद्रगढ़। सीकर से? नागौर से। तो ये हमारा राज्य हॉस्टल है, ये राज्य हॉस्टल हमारा, जहाँ हमारी 500 पेटर थे सब। नाजी हॉस्टल में 500 बच्चे रहते हैं। तो कहते हैं प्रिंसिपल, कौन बच्चा कहाँ? आओ बेटा आओ, यहाँ से जाओ। आप कहाँ से हो? ये सीकर, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बिहार स्कूल टॉपर बेटी थी। इनका परसेंट टॉप 94% नंबर है। सीकर अपने स्कूल से परसेंट टॉप किया था। आप कहाँ से हो बेटा? आप जयपुर में कहाँ से हो? चंदवाजी के पास के हैं। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप कहाँ से? निमका थाना, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर से। तो ये पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक जयपुर से। कुछ बच्चे लाइव को देख के भाग रहे हैं, कुछ लाइव को देख के दूर भाग रहे हैं, कुछ लाइव को देखे नजदीक आने के लिए है। आओ चलो आपको हमारा मैच दिखाते हैं दोस्तों। एक बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत कड़ा सा मैच है हमारा। अब आपको हमारा मैच दिखाते हैं। लेट देखा तो लाइव नहीं, फुल 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 दोस्तों। आयो हमारे मैच में, ये देखो ये हमारी मेस की बस्ती की रोटियां हैं। आपके पास ऐसे रोटियां बनती हैं हमारे यहाँ, ऐसे रोटियां बनती हैं बाकायदा। यहाँ आप ये आटा दिख जाता है, आगे चलते हैं, रोटियां बनते बनते यहाँ रोटियां आ गई है। ये रोटियां आ गई, ये रोटियां सिकते सिकते यहाँ बाहर आती हैं। ये रोटी ला बेटा मेरे को, ये रोटी उठाई वाला। ये देखो ऐसी दोस्तों, बिल्कुल गर्म, बिल्कुल ठीक है। देखो इस तरह से ये लोग पूरी रोटियां हैं वहाँ पर दिखा सकते। और ये घी बिल्कुल लगा देते हैं। ये हमारे भैंस है, ये हमारे कुंदन जी हैं। आओ ये हमारे कुंदन जी हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये देखो मतलब एक व्यक्ति, हमने इस बात लगा रखा है कुछ बच्चे क्यों से एलर्जी है, किसी रोटी बांटने की चाहिए, किसी और कबे की चाहिए, सारी व्यवस्थाएँ हैं। एक व्यक्ति एक एक बच्चे की हमने व्यवस्था की है। हेलो दोस्तों, हम आप हमारी भैंस में हमारे डाइनिंग कौन ले चलते हैं। ये अब इस मैस के हमारे तीन फ्लोर हैं। एक फ्लोर हमारा वेटरूम के लिए है, दो फ्लोर हमारे वेटरूम के लिए है। एक बार फिर बच्चे कहा है, आप कहाँ से बेटा? झुंझुनू से, हरियाणा से। ये हमारा बच्चा दूसरा का है। आपके मामा जी हमारे सीक्रेट एसपी रहे हैं, अखिलेश जी। मामा जी कहाँ से? आपके मामा जी आगरा है, तो आप प्रमोट हो गए आईसी बन गए। आपको अखिलेश भाई हमारे भाई कहूँगा, एसपी सीकर के दोस्ती हो गई, भांजा अब भर नहीं बढ़ती आपके ना। तो आप देखो अखिलेश जी जब सीकर एसपी थे, तो एसपी की पोस्ट पर रहे, तो पता लगा कि पढ़ाई कहाँ है, अनुशासन का है। अखिलेश भाई का ट्रांसफर हो गया आगरा, तो फोन आया किशोर भाई मैं सीकर रहा, मेरे भांजा भांजो पढ़ाना तो मुझे कहीं बच्चे डाल सकता हूँ किसी कोचिंग में। लेकिन मेरी व्यवस्थाएं इतनी छुलेगी मेरे को कि मेरे भांजे भांजो तेरे आप पढ़ाने भेजूंगा, ये एक बड़ी चीज़ है। आप कहाँ से हो बेटा? चूरू से, धौलपुर। चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर से बच्चा है। दोसा, हिसार, नागौर, तू लोग कहाँ था? यहीं था। तो बिहार से यहाँ कैसे आना हुआ तेरा? किसने पता लगा तेरे को? क्या नाम है? क्या ये देखो, यूएसए, अमेरिका बोली तो बच्ची। अरे ये सुन यार, ये अच्छा बच्चा मिला। बच्चों आवाज दे रहे, एक बहुत जोरदार बात, ये लड़का जो है इसकी बहन सोनी मिश्रा जो अभी यूएसए में है, बिल्कुल सुनने वाला है। बच्चों ये रिश्ते होते हैं हमारे, सोनी के फादर टीचर है ना, उनके फादर टीचर हैं। बिहार से बच्ची मेरे पास आई, आज मेरी बेटी सोनी मिश्रा।
बताओ फेसबुक पे, इसका पेज सर्च करो, वो लड़की यूएस में बहुत क्लास सेट है, सोनी भी देख रही हो बेटा, तेरे को बहुत धन्यवाद इस तरह जुड़े परिवार का, कहाँ से बेटा धन्यवाद हो नमस्ते हैं। आयो हम लोग आपको हमारी मैच पर चाहते हैं, ये हमारी मैच से खाइए, सब लोग हमारे खाना खा रहे हैं, आके देखें ये हमारी गर्ल्स की मैच है, ये सब लोग लगे हुए अपने, ये सब लोग सब एक मिनट लो जी, हम इनका एक खाने की थाली दिखाते हैं। आज संडे है, आज चावल बने हुए हैं, क्या बात है, चावल भी आपके साथ बने हुए हैं, चावल आप सब बच्चे खा रहे हैं, आप एक बार सब सिमला देते हैं इनको। आप कहाँ से हो बेटा? चित्तौड़गढ़। वाराणसी यूपी से, क्या बात है। आप देखो दोस्तों पूरा हिंदुस्तान यहाँ है, बिहार का बच्चा यहाँ है, वाराणसी का बच्चा यहाँ है, राजस्थान का बच्चा यहाँ है, हरियाणा का बच्चा यहाँ है, और परिचय कराते हैं। आप कहाँ से हो बेटा? महेंद्रगढ़ से हो। इस बच्चे ने पहले एलन की जैकेट पहन रखी है, पहले बच्ची एलन रही होगी, अब ये सीएलसी आई है, वेरी गुड। हाँ जी, आप कहाँ से हो? झुंझुनू। हरियाणा। हरियाणा से। ये सब, अब ये सब हमारे बदमाश बदमाश बच्चे हैं सब, ये सब अपना संडे का एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो हमारे एक सुंदर सा मैस है, वो एक बच्चा है मेरे पास लेके आओ, चलो इसके पास लेके आते हैं। हाँ बोल, क्या नाम आपका बताओ, पूरा पूरा बताओ। गंगानगर से हो। आपको कैसे फील हो रहा है? मजा आ रहा है, खुश है, पक्का, वेरी गुड। आवाज, तू कहाँ का है? डूंगरपुर से। हरियाणा से। हरियाणा बहुत बड़ा, हरियाणा में कहाँ से है? जींद से। फतेहाबाद, हनुमानगढ़, कुचामन, झुंझुनू, तारानगर, टू से, जयपुर से। तो ये देखो सब हमारे बच्चे बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारा मैच चल रहा है, सब बिल्कुल आराम से अपना भोजन कर रहे हैं। और आप एक बात और देखिए हमारे काउंटर भोजन के, जहाँ बाकायदा इनको ये इनकी सब्जी का है, ये दाल का है, ये चावल में दो प्रकार से हैं, पुलाव अलग हैं, सफ़ेद चावल अलग हैं, तो पुलाव बोलते हैं मीठे 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 चावल हैं। और ये कुछ लोग बाकायदा, ये दूध देखो, ये बच्चे सब दूध पी रहे हैं, आज खाने का पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है, ये सारे बच्चे दूध और यहाँ छोले, ये शानदार वाले इनको छोले दिए जा रहे हैं। ये एक बच्चा हमारा दूध शक्कर मिला रहा है। कहाँ का है तू? कहाँ के हो? भिवानी से बच्चे हैं ये सब बच्चे। हाँ भाई, तुम कहाँ से हो? बच्चा कहाँ का हो? जींद। हरियाणा। अलवर। सीकर। भिवानी। भिवानी से। ये सब बच्चे लगे हुए हैं, इनको जाए डिस्टर्बने के लिए रोटियों में। तुम लोग कहाँ के हो? जोधपुर। सीकर। फतेहपुर से। ये फतेहपुर मेरा खुद का गांव है, मेरे गांव से बच्ची है ये। नागौर। लक्ष्मणगढ़। जालोर। जालोर। 798 लोग लाइव में अभी चल रहे हैं एक घंटे से। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आपको दिखाया मैंने। तो आज एक नया आइडिया दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों को पूरी मैच के साथ परिचय कराया जाए। इधर देखो हमारे सब कलाकार बहुत बढ़िया सा काम कर रहे हैं, सब रोजगार मस्ती वाले, इसके बाद ये सब आगे लाइन पहले से आगे से हो। बाड़मेर। जोधपुर। 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 ये पूरा ग्रुप है। देखो हॉस्टल में क्या होता है कि आप देखो एक बेल्ट का बच्चा अपना साथ बैठता है, साथ खाना खाता, सब ठीक है। आ जाओ, अब आपको बॉयज के फ्लोर में चलते हैं। अब हमारा जो बॉयज का फ्लोर अब हमें चलते हैं, ये हमारा गर्ल्स का फ्लोर है, अब ये हमारे बॉयज के फ्लोर में ले चलते हैं आपको। आज संडे है, सब मस्ती के मूड में, एक मिनट दो भाई, आ जाओ भाई। 900 लोग नोट। अदर दिल्ली से बच्चा है, किस बैच में है? आप दिल्ली से सीकर कैसे आए? क्या खास बात रही सीएल सी में आपको? फ्लाइट में से, मोबाइल में? क्या नाम है? देखो ये है, यहाँ जिसके बड़े बहन भाई पढ़े वो स्ट्रेट हुए खुशबू लेके आप दिल्ली से आप यहाँ आए। आप कहाँ से हो? आप किसान से? बस आप कहाँ के हो? हरियाणा। कहाँ के हो? सिरसा से। थैंक यू। आगे चले, अगले बच्चों से दोस्तों मिलाते हैं, उस वाले से मुलाकात हो गई, नेक्स्ट बच्चों से मुलाकात मिलाते हैं। पूरा देश है यहाँ, यूपी यहाँ है, बिहार यहाँ है, राजस्थान यहाँ है, हरियाणा यहाँ है, ये हमारा बॉयज का सिस्टम है, ये पूरा बॉयज का मैच है, ये सब हमारे बॉयज का मैच सिस्टम है। इधर लगे आपका, आप कहाँ से बेटा?
प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ से बच्चा है। हरियाणा, नागौर, काम नागौर से। हरियाणा कैसा लग रहा बता, क्या विशेष मैसेज देना चाहता है तेरे दोस्तों को? क्लास स्टार्ट करेंगे, बताए कैसा लग रहा है? आप दो साल से सारा जमाना जीतो जय श्री वाला। ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको प्रणाम भी करेंगे। दोस्त इनके अंडर में है, जिम्मेदारी का काम जिम्मेदार लोग समझ जाता है। ये तो जयपुर सारे बच्चे देखो, ये हमारे बिल्कुल शानदार वो सिस्टम मैथ का पूरा व्यवस्था। ये हमारे अशोक जी हैं जो यहाँ के हमारे इंचार्ज हैं, इधर हमारा बिल्कुल बहुत व्यस्त व्यवस्था है। ये कंप्लीट हो बिल्कुल खाने के लिए दो अलग से गर्ल्स के अलग से एक बार से बोले जय। कहाँ से हो? जोधपुर से। कहाँ से हो बोलो, बोलो कहाँ से हो? कहाँ के? हरियाणा। अबे तू कहाँ से? अलवर। अलवर से। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। ये जोधपुर, अलवर, जोधपुर, ये देखो सब सब मस्ती के, ये सब मस्ती के मूड में है। और बच्चों सुनो एक मिनट, हेलो, लाइव को चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं और 900 लोग लाइव पे इस समय, 900 लोग लाइव पे इस समय। ये हमारा एक शानदार व्यवस्था, शानदार मैच। एक मिनट, एक ये सब एक सिस्टम है, ये एक व्यवस्था है। ये हमारे सहेल कड़वास रहा है, सुरेंद्र का बच्चा, ये हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं सारे मस्ती से। आप कहाँ के हो बेटा? विराटनगर। महेंद्रगढ़। लिंगस। कैसा लग रहा आपको सहेल जी? क्या विशेष करना चाहते हो आप? क्या बात है, क्या बात है। कैंप के बारे में क्या करना है आपको? कैंप तब तू बता, कैंप बता, कैंप के बारे में बोल क्या करना। देखो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, सबसे एक ही बात करना चाहता हूँ, जो इस लाइव को देख रहे हैं, मेरे को पढ़ाना छोड़े, 5 साल बंद हो गए, 100 में रैंक नहीं आई, वापस खड़ा हुआ हूँ, 100 में रैंक लेके आनी है। जय श्री हरि। ये हमारी एक सिस्टम है, ये हमारा होटिंग है। ये हम कहाँ से बेटा? बेटा मेरे गांव के पास का बनता है मेरे गांव। हाँ आप कहाँ से बेटा? रोहतक से। ध्यान से बेटा, ध्यान से बड़ी हिम्मत जाना। जी जी जी। अब उस सीट में उतरते हुए आगे चल रहे हैं। आज एक नया दिमाग में आइडिया आया, नया लाइव करते हैं। तो संडे था, मैं फ्री था थोड़ा सा, इससे 6 दिन लाइव में आया था। ये यहाँ आया बढ़िया। बड़ी ये जगह होती है, हमारी सीढ़ियाँ हैं, ये बिल्कुल सीढ़ियों से बाहर चलते हो लोग। इधर को चलते हुए मेरे बालक बालिका बालिका इस तरफ, ये हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं जो भी खाना खा के अपने रूम पे जा रहे हैं। आज संडे है, मजे लेंगे, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, बढ़ेंगे कल कैंप नहीं है, आज रेस्ट करेंगे, कल से फिर लगेंगे, ये कल से फिर लगेंगे काम में। बोलिए कैमरा, थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत हो सकती है, आवाज़ मुद्दा नहीं है आज। तो मुद्दा ये है कि बच्चा बच्चों से मिलाया जाए, बच्चों से बात करें, बच्चे बहुत खुश, बच्चे खुश, हम खुश। दोस्तों सीएलसी सीकर की पहचान, सीएलसी सीकर की शान। ये हमारे विजेंद्र जी हैं, यहाँ बाकायदा बच्चों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है मैथ्स के अंदर। और ये हमारा मैथ्स के आगे में देखो दोस्तों खुला स्पेस, हर जगह कंप्लीट हमारा खुला स्पेस है। अब हमारे केवन दिखाते हैं आपको, ये दोस्तों हमारा एक स्कूल है, मंडेला से हो आप? यूपी से। यूपी से मिल गया बच्चा। आप तू कहाँ से भैया? दोस्तों से। झुंझुनू। झुंझुनू से
भरतपुर से, हर जगह का बच्चा यहाँ। ये देखो हमारे सामने हमारे दुकान, हमारे सेठ जी की, ये हमारे सेठ जी की दुकान है, सेठ जी के बच्चे से लगाते हैं आपको आ जाओ। ये हमारे अग्रवाल बुक डिपो है, ये हमारे सामने। हाँ भाई सर, कैसा लग रहा है आपको लॉकडाउन? लॉकडाउन के बाद वापस बच्चों माहौल कैसा बना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस समय सबसे सेल कौन सी बुक की हो रही है सर? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की बहुत जब, क्योंकि हमने बहुत ही मस्त करते हैं हमारे। ये दुकान देखो हमारे अग्रवाल साहब की, ये हमारे सेठ जी की पूरी दुकान है। देखो सारी बुक्स वगैरह दूर से, दूर से, दूर से, इधर से, हाँ यहाँ से पूरा देखा। ये देखो हमारे अग्रवाल बुक डिपो है, ये पूरा हमारे बिल्कुल हमारे, देखो सेठ जी, देखो हमारे सेठ जी बिल्कुल यूँ हमारे बड़े भाई हैं, एक आशीर्वाद देते भाई साहब पढ़ा पढ़ा। और ये हमारा बाबा हॉस्टल है, जो सुनील स्टोरी का 33 रैंक आया था वो इसी हॉस्टल के नाम है, नाम स्वरूप हमारा हॉस्टल वार्डन है। आओ घुमाते हैं हम लोग। तो ये हमारा बाबा हॉस्टल है, ये बाबा हॉस्टल है, यहाँ हमारा मजबूत वार्डन हमारा राम स्वरूप है, मजबूत वार्डन हमारा राम स्वरूप है, मिले राम स्वरूप से। कपड़े बच्चे अपने ढूंढ के लेके जा रहे हैं। और कोई बेटा किसी बच्चे से बात करें, उससे बात कैसा लग रहा है आपको किस बैच की? वहाँ देख के मैंने किस क्लास का बच्चा है, इलेवन में ही था। ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है समय तेरा? मेडिटेशन चल रहा है, कोर्स पूरा हो गया? ओके डी। ये देखो हमारे 2019 के टॉपर्स हैं, इधर आओ। हर हॉस्टल में आप जहाँ भी जाओ सीएलसी में, ये हमारा एक पूजा का मंदिर है, हर जगह आपको फोटो मिलेंगी, हर हॉस्टल वार्डन दीपक करेगा। तो भगवान सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। बाकी ये हमारा हॉस्टल है, दिखाएं आपको। ये देखो ये हमारा हॉस्टल है, ये हमारा बाबा हॉस्टल है, पूरा देखो ये दोस्तों मेरे को देखो। ये हमारा बाबा हॉस्टल है कम्प्लीट, आप देखें डियर, यहाँ बहुत ही शानदार बच्चे, सीकर का टॉपर मेडिकल का, अब तक का सुनील स्टोई है, वो बाबा हॉस्टल के नाम ही है, बाबा हॉस्टल नाम है। एक रूम का एक बच्चा रूम दिखाता है जो किसी का, ये आ जाओ इधर। हाँ भाई ये देखो हमारा एक हॉस्टल का रूम है, आजकल आप जानते हो ऑनलाइन से चलता है, तो लैपटॉप पर सब की व्यवस्था भी आपको जरूरी होगी देना। आप कहाँ से हो बेटा? दातारामगढ़ से हो। ये आजकल के ऑनलाइन क्लास, गुरु नीति, ये सब चीजें दोस्तों बहुत जरूरी है। ये हमारे श्रीराम जी है जो है हॉस्टल में। आप कहाँ से हो बेटा? सर मैं आप धौलपुर से हैं। आप ये रूम देखो हमारा कितना शानदार, हमारे बच्चों का बिल्कुल सिस्टम तरीके से एक पूरा हॉस्टल रूम होता है, बाकायदे अलमारी है, बच्चा इसमें रहता है। और ये बिल्कुल देखो, आप कहाँ से हो बेटा? अजमेर से। आप अलवर से हो? ऐसे बाकायदा एक रूम में दो बच्चे रहते हैं, दो चारपाई हैं, दो टेबल है, एक व्यवस्थित तरीके से हमारा बच्चा पूरा रह रहा है। आए सर, अब आप आयो आगे ले चलते हैं आपको। अब आपको हमारा केवीएम स्कूल से लिफ्ट करते हैं। हमारा सामने स्कूल है केवीएम का, जो सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ तक राजस्थान बोर्ड का स्कूल है। सिक्स क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक का हमारा एक हमारा स्कूल है, बहुत शानदार इस भाषा में, बिल्कुल शानदार है, शानदार इस भाषा में। ये पिछले चार साल से अबव 90% हाइयर संख्या देने वाला, चार साल में अबव 90% हाइयर संख्या देने वाला हमारे केवीएम है। ये हमारा स्कूल है केवीएम का, बिल्कुल ये हमारे यहाँ का ऑफिस है। ये हमारे रतन जगाव जी हैं जो मेंटर हैं, देखते हैं इंद्रेश जी पुनिया है, सुंदर पुनिया है, ये हमारे शिषपाल जी हैं जो यहाँ के बिल्कुल हमारे गार्जियन हैं। वही बात, वो भी आपको दीपक फिर वही मिलेगा, देखो वही भगवान की फोटोएं, वो एक दीपक शाम को सिस्टमेटिक तरीके से ईश्वर के आशीर्वाद से काम हम लोग करते हैं। इसके बाद यहाँ का एक क्लासरूम दिखाते हैं आपको, यहाँ का एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम है हमारा केवीएम का, खूब अच्छा क्लासरूम, खुला सा क्लासरूम होता है हमारा, बिल्कुल पूरा क्लासरूम देखो। जी ये अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ वापस विजय ग्राउंड, क्रमस्थली, भावस्थली, एक बार फिर दिखाओ वो खड़े, वो देखो हमारे नोटी नोटी बच्चे। ये देखो सब, ये बच्चे हमारे बाबा हॉस्टल के बालक हैं। बाबा हॉस्टल एक बहुत ही शानदार हॉस्टल, इसलिए शानदार क्योंकि सीकर का टॉपर जो है तो इसी हॉस्टल के नाम हक हमारे बीबी से हमारा बाबा हॉस्टल, ये सब उसी हिस्से में है। सब हम चलते हैं तो वापस हम लोग आते हैं क्रमस्थली में, भावस्थली और क्रमस्थली की आप कुछ कहते हैं। हमारी जो बिल्डिंग बनी है ऐसे ले आगे
दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ भावस्थली पे, जो नई बिल्डिंग बनी है ना, तो ये देखो सामने बिल्कुल स्वर्ग लगता है मेरे को तो। ये हमारे बच्चे इस समय डिनर पे जा रहे हैं, सब संडे है, थोड़ा सा मस्ती के मूड में है। ये भावस्थली ले चलता हूँ आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बाद सब कुछ अपने रेगुलर फॉर्म आ चुका है, लॉकडाउन के बाद सब कुछ अपना ऑफलाइन हो चुका है और सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से कोविड की गाइडलाइन को ऑलमोस्ट पालना करते हुए, बाकी ऑलमोस्ट अब कोविड दोस्तों करीब करीब कब्जे में आ चुका है। धन्यवाद देता हूँ मेरे उन साइंटिस्टों को जिन्होंने उसकी वैक्सीन तैयार कर दी। अब मैं जो मेरी बिल्डिंग है ऊपर लाइट ऑन करें फटाफट जाके। ये हमारी दोस्तों बिल्डिंग है भावस्थली की, तो भावस्थली चलते हैं। सीढ़ियाँ हैं अभी, इसमें लाइट एक बार लड़का ऑन कर देता है। इन सीढ़ियों से लेते हुए एक शानदार बिल्डिंग जो हमारी बनी है भावस्थली की, लाइट कर दी हमारे जगदीश ने, बहुत फास्ट लड़का हमारा। लाइट ऑन कर दे फटाफट भैया, बिल्कुल। ये देखो दोस्तों सीएलसी एक खुला कैंपस बनाती है हमेशा ही। आप देखो दोस्तों ये तो खुला स्पेस है बाहर का, ये इतना स्पेस खुला है। उसके बाद आपको क्लासरूम ले चलते हैं। क्लासरूम दोस्तों इस तरह से हमारे हैं, ये देखो ये क्लासरूम है, ये भावस्त्री क्लासरूम है। बिल्कुल सिस्टम देखो आप, तरीका वही है, बेंच, पर्दे, माइक, बोर्ड, ये देखो, और यहाँ मार्कर के बोर्ड है, यहाँ मार्कर के बोर्ड, स्पीच टेबल, ऐसे तीन रूम है। ये हर फ्लोर पे स्टाफ रूम है, पूरी बिल्डिंग पूरा फ्लोर है हमारा एक ही दोस्तों, एक कंप्लीट फ्लोर है हमारा। ये वॉशरूम एरिया हो गया, ये बच्चों के लिए हो गया, वो हमारी बेटियों के लिए वॉशरूम एरिया हो गया, और ये दोस्तों फिर से एक क्लासरूम है। जगदीश लाइट ऑन कर रहा है, जल्दीबाजी नहीं कर रहे बेटा जगदीश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे जगदीश से लाइट ऑन कर रहे हैं, और देखो ये फिर क्लासरूम, शानदार क्लासरूम। देखो देखो सब में शानदार माइक लगे हुए हैं, बहुत शानदार लाइट, देखो रोशनी क्लासरूम की, बिल्कुल नीट क्लीन साफ सफाई। ये दोस्तों बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप देखें, पूरा हर क्लासरूम में सामने घड़ी लगी होती है, बाकायदा बच्चे टीचर को टाइम टू टाइम फैसिलिटी, और बिल्कुल ये फर्नीचर प्रॉपर लगा हुआ है, और देखो फर्नीचर प्रॉपर अपने स्पेस में, ऐसा कहीं कुछ नहीं है दोस्तों। बाकायदा ऐसे आराम से बैठ के प्रॉपर ध्यान भी जगह है, कहीं घोष पोच नहीं हमारे काम की मात्रा में, एक व्यवस्थित तरीके से दोस्तों हमारा कंप्लीट फर्नीचर बना हुआ है। ओके डियर, ऐसे इसमें तीन से चार फ्लोर है जो हमारे क्लासरूम के लिए है। अभी हमारा फायर सेफ्टी का काम चल रहा है, सेफ्टी के सारे पैमाने हम लोग हैं कि देखो पूरा फायर सेफ्टी का पूरा सिस्टम हम लोग, क्योंकि सुरक्षा बड़ी चीज़ है, पूरा फायर सेफ्टी के लिए। भैया आप काम करें फायर सेफ्टी का, आप कहाँ से हैं, आप पूरा काम कर दिया फायर सेफ्टी का, तो अच्छा लगा आपको, सारे पैरामीटर्स पूरा कर दिया, थैंक यू। आप देखो ये पूरा फायर सेफ्टी का काम पूरी टीम, ये हमारे इंडस्ट्री देखते हैं, नरेश चौधरी जो मेरे साढ़े साहब हैं MDSLC के, ये पूरा काम वो देखते हैं, पूरा सेफ्टी के पैमानों को देखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम काम करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारी मूल क्रम स्थली में, और अभी देखो हम लोगों ने इस बिल्डिंग को उद्घाटन भी किया, आप देखें ये उद्घाटन हुआ हमारा लोकार्पण भावस्थली का, भावस्थली लोकार्पण हुआ हमारी का। ये रहा देखो परम पूज्य हिंदा चतुर्वेदी के आशीर्वाद से CLC के नवनिर्मित भवन का, पकड़ो बेटा जी, ये 31 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन हुआ। ये बाकायदा हमारे ज्ञाना जी बाबा जी आए साकर आश्रम से, और उनके आशीर्वाद उनके स्नेह से ये सारा काम आपका हुआ है। अब मैं ये देखो हमारे गार्जियन से मिलने आया हुआ, छोटा सा बच्चा बताऊँ आपको, ये छोटा बच्चा है, ये अपनी दीदी से मिलने आया होगा। आप लोग कहाँ से हो, आप बीकानेर से हैं, और ये बेटी आप किस बैच के हो बेटा, आप 12th में हैं, बिल्कुल ये सब गार्जियंस मिलने के लिए आए हुए हैं, और संडे है तो गार्जियंस मिलने के लिए आते रहते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आपको हमारी कर्मस्थली में, कर्मस्थली किससे भावस्थली बनी, कर्मस्थली इसे CLC को नहीं पहचान, यहाँ से पूरा दिखाए सामने से आप सामने पूरा, ये कर्मस्थली से कर्मस्थली के मेन सीढ़ियों से दोस्तों ये देखो विहंग दृश्य, ये देखो कितना वो सामने हमारी KVM, ये देखो ये देखो ये देखो हमारे हॉस्टल्स और ये सब व्यवस्थाएं, और ये सुंदर सा भव्य दर्शन CLC का। आए चले चलो आ जाओ, ये हमारा एडम ब्लॉक है जहाँ एडमिशन का प्रोसेस हमारा सामने हमारा फ्लक्स है, हमारे हरजीत सर है जो शाम हमारे स्कूल के बायो के बहुत शानदार फैकल्टी, और शाम को एक घंटा ये रिसेप्शन पे इसलिए बैठते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए, और आपको दिखाते हैं आपको
जहाँ हम लोग हमारी इम्पोर्टेंट करते हैं, जहाँ हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 200 बच्चों ग्रुप में हम लोग काम करते हैं। ये मेरे गुरु जी के नाम पे है बेटा, हरिनाथ चतुर्वेदी मेरे गुरु महाराज के नाम पे, हरिनाथ चतुर्वेदी बाबा खोटघापुरा। ये देखो मेरे गुरु महाराज है भैया, जो कुछ इन्हीं का आशीर्वाद है भैया, हम जो भी हैं उन्हीं का आशीर्वाद है भैया, जो भी कुछ है इन्हीं का आशीर्वाद है भैया। ये गुरु जी है। अब देखो ये हमारा ऑडिटोरियम है सुंदर सा, देखो दोस्तों ये बाकायदा ये ऑडिटोरियम है, ये दोस्तों पैनल लगा हुआ है, ये कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ से जो वीडियो शूट होते हैं गुरु नीति शूट यहाँ से होती है। ये पैनल है, ये सामने कैमरा है, पूरा सामने डिस्प्ले लगा हुआ है, पूरा सिस्टम बना रखा है। सीएलसी साहब बाई चांस नहीं है, सीएलसी एक बहुत मजबूत व्यवस्थाओं का नाम सीएलसी है। अब मैं आपको एक सीएलसी के फ्लोर पर बताता हूँ, सीएलसी में पहले आपको वही हाउस करेगी, आज यहाँ भी क्लास करते हैं आप आजो, ये हमारी ये क्लास। तो ये दोस्तों सीएलसी का एक विजिट था, अचानक दिमाग क्लिक हुआ, तब मैं बाबा के पास खड़ा होकर आज के इस लाइव को समाप्त, मैंने मेरी सीएलसी को आपको दिखाया, मेरे बच्चों से मिलाया। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बच्चों की यूँ शाम को झुंड सा है, लेकिन बच्चे डिनर के लिए आए थे, लाइव को देखते बच्चे मोटिवेट एक्साइट हो गए। आप राजस्थान हरियाणा यूपी बिहार दिल्ली सब जगह बच्चे दोस्तों सीएलसी में है। आपके अपने सीएलसी कौन कौन से बैच चलाती है सुन लो, नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ तक आरबीएससी सीबीएसई हमारे खुद के अपने स्कूल है, आईटी मेडिकल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबकी दोस्तों आपके में सीएलसी करती है। और अभी 2022 के एंड में स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, 25 फरवरी से हमारा 2022 का 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, सीएलसी एक पहचान है, सीएलसी एक व्यवस्था है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सीएलसी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है साहब, सीएलसी एक समूह का नाम है, सीएलसी कुछ लोगों की बहुत तकलीफ मेहनत है, सीएलसी एक व्यवस्थाओं का नाम है जिसका अपना खुद का स्टडी मटेरियल उसकी अपनी सारी व्यवस्थाएं। और दोस्तों जिसके लिए मैंने मेरे जीवन के 25 साल रात दिन तपस्या में खपाए हैं, एक टीम के साथ एक अच्छी टीम के साथ, टीम कई बार समय के साथ साथ मॉडिफाई भी होती रहती है, चल नहीं बोलता हूँ मॉडिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि मॉडिफिकेशन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, ऊर्जावान रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों हमारे चैम्बर सहेल चैम्बर है, उसका गेट बंद करें, वो चैम्बर हमारे सहेल सर का है, आप दिखाएं, ये हमारे सहेल सर बैठते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल हमारे सहेल सर यहाँ बैठते हैं, ये चैम्बर हमारे सहेल सर का है। इसके अलावा इधर आओ, इधर हमारे जगदीश अशोक बैठते हैं भैया, जहाँ बाकायदा पूरे हमारे ऑनलाइन सिस्टम जो प्रॉपर है व्यवस्थित तरीके से, यहाँ से सारी रैंक बनना ये सब बनना दोस्तों आपका वहाँ से रहता है, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं सब कुछ परंतु तो बच्चों दिखाया जाता है, ये सारा ऑनलाइन का सेटअप रहा, देखो पूरे पूरे ताम झाम के साथ ये ऑनलाइन की सुंदर सी व्यवस्था हमारी रही। ये पीछे मेरा चैम्बर है जहाँ मैं बैठता हूँ, ये दोस्तों कुछ व्यवस्थाएं थी, अब मेरे चेयर पे बैठ के आज के लाइव को बाबा के आशीर्वाद से समाप्ति को लेके जाता हूँ। मुझे एक मोबाइल दे दो ताकि मैं एक बार मैसेज को पढ़ते हुए लाइव को समाप्ति को लेके जाऊं। ओके डियर, तो मैं देख रहा हूँ शेख सिंह गुडेरा मंजू चौधरी श्याम पवार सब लोग दोस्तों लाइव पे जुड़े हुए हैं, अब अभी 350 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ओके नमस्कार, तो दोस्तों आज तो मैंने क्लासेस स्टार्ट कर ली है, इसलिए मैं रोज शायद लाइव नहीं आ पाऊंगा, पर लाइव जब भी आऊंगा इसी मोड में आऊंगा, बच्चों के साथ आऊंगा। थैंक यू, जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।